बेटे। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान अपने चार बेटों के साथ। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने कई बार उनको समझाया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं माना। हमेशा अपने पिता की बात को टाल दिया बिना आदर किए। चारों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे। किसान और बूढ़ा हो गया और उसके चार बेटे अभी भी वैसे के वैसे ही रहे। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया। अतः उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन किसान ने अपने चार बेटों को अपने पास बुलाया। सबको लकड़ियों का घट्टा दिया। मेरे बच्चों, तुम सब के लिए मेरे पास एक काम है। ये एक साधारण लकड़ियों का घट्टा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घट्टे को दो हिस्सों में तोड़ दो। सबको ऐसा करने का एक एक मौका मिलेगा। सच में पिताजी, ये तो बहुत ही आसान है। उफ, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करना। मैं तो सबसे बलवान हूँ और एक क्षण में तोड़ सकता हूँ। क्या मजाक है ये, सबको पता है कि सिर्फ मैं ही यह कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा, बस करो अब। मैंने यहाँ तुम लोगों को लड़ाई करने नहीं बुलाया। जैसा मैंने कहा वैसे चुपचाप करो। पहले सबसे बड़े बेटे ने लकड़ियों के घट्टे को तोड़ने की कोशिश की। लकड़ियाँ ना टूटने की वजह से वह हैरान रह गया। उसने बहुत जोर लगाया और सांस लेने भी रुक गया, पर घट्टा टूटा नहीं। अंत में उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की पर वो भी असफल हुआ, तो गुस्से में आकर उसने लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। बाकी के दो भाइयों ने भी पूरा दम लगाकर लकड़ियों के घट्टों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुए। सब लोगों ने हार मान लिया और पिताजी से पूछने लगे, ये तो बकवास है पिताजी, वैसे आपने हमको ये करने को बोला ही क्यों? किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियों का घट्टा लिया, उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दिया। अब तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सबों ने आराम से लकड़ी को तोड़ दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी जा सकती है, पर अगर चार लकड़ी एक साथ रखोगे तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चारों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो, हमेशा एक साथ रहना और फिर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार लड़कों को पिताजी की सीख समझ आ गई। सबों ने एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दिया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अच्छे से साथ साथ काम करने लगे। चार बेटों को ये एहसास हो गया था कि एकता में ही बल है।